किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है मेरी किसान चैनल। किसान भाइयों, आपको याद होगा मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर एक बार मैंने जिक्र किया था कि मेरे गांव के पास में एक बहुत प्रगतिशील किसान है श्री रविंदर सेन, और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी, एक बार मैं पहले आ चुका हूँ इनके बाग में, तो मैं इनका बाग इसलिए दिखाने लाया हूँ कि जो एक वीडियो किसी ने पहले डाली थी पवन कुमार जी ने किसी किसान की कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं आज आपको एक सफल और प्रगतिशील किसान से मिलाने जा रहा हूँ। इनका नाम है श्री रविंद्र सैनी, ग्राम बहुड़ोपुर के हैं, मैं इनका नंबर भी दूंगा, और ये मेरे गांव से लगभग 3-3.5 किलोमीटर दूर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर। जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे है उसमें सीडकी एक गांव पड़ता है, वहाँ से झबरेड़ा रोड पर ये लगभग 1.5 किलोमीटर आगे है। तो आइए इनसे जानते हैं, और कुछ चीज़ें जो मैं इनसे पूछूंगा आपको बड़ा अच्छा लगेगा, और इसके साथ साथ इन्होंने नर्सरी रविंद्र सैनी। अब आप हाँ जी नमस्कार जी, बस वैसे तो आप लोग जानो ही त्यागी जी को, जी हम तो इनके आगे कुछ नहीं है, बाकी जो हमारे बाग में L49 है, बर्फ खान है, और जी 1 kg है, VNR ही है, बहुत अच्छी वैरायटी है, और हम इसका जो है भरपूर फसल लेते हैं जी, देसी खाद वगैरह डाल के। अब आप दिखाओ, आइए आप देखते हैं, आपको पेड़ है ये L49 का है, ये देखिए आप, और इसमें एक बात बहुत अच्छी नोटिस करने की है जो आप सब कर रहे हैं, किसी भी पत्ते पर कोई भी रोग नहीं है, आप देखिए कितने स्वस्थ पत्ते हैं, 3-3.5 साल का पेड़ है ये देखिए। हालांकि ये जो ये सूखी हुई लकड़ियां हैं इनको काट देनी चाहिए, ये देखिए कितना फल आया हुआ है इस पर, और अब इनसे पूछेंगे कि लगभग कितना फल आ जाता है और किस प्रकार ये इसकी व्यवस्था करते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत पेड़, कितना फल आया हुआ है, ये जो है ना ये बरसात का फल लेते हैं और सर्दियों का भी फल लेते हैं, दो लेते हो ना फल, दोनों फल एक ही पेड़ से, एक ही पेड़ से ये बरसात का भी लेते हैं, जानते हैं किस प्रकार लेते हैं। तो अब आप हमें बताओगे इस L49 का हम जो है 800 ग्राम 900 ग्राम तक का ले लेते हैं, और ज्यादातर फलों का यही साइज लेते हैं जी, और हमारे अमरूद बरसात में भी कोई रोग नहीं लगता, कोई कीड़ा नहीं आता, और हम इसे जो है कम से कम 70-80 रुपए किलो तक का भाव इसका ले लेते हैं। किसान भाइयों, आपको याद होगा मैंने बताया था ये रोड जा रही है, और हमारे सैनी साहब ने मुझे बहुत अच्छी तरह बताया था, मुझे भी ये सजेस्ट किया था कि आपके पास तो हाईवे है, मेरे पास हाईवे से छोटा हाईवे वाली रोड है, यहीं पर ये स्टॉल लगा देते हैं और 70-80 रुपए किलो बेचते हैं। और देखिए ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 800 ग्राम तक का इनका अमरूद होता है L49। तो अमरूद का साइज कई बातों पर निर्भर करता है, कितना अमरूद आप रखते हैं उस पर कितनी देखभाल करते हैं, और अभी इनसे जानेंगे कि ये किस प्रकार इसकी खाद व्यवस्था करते हैं, कि कितना खाद इन्होंने कब डाला था। ये बताओ जी आप इस पेड़ में आपने कितना खाद दिया होगा? ज़्यादातर तो हम इसमें जो है देसी खाद यूज करते हैं। अच्छा, पर पेड़ अभी जैसे 3 साल के में था, कितना दिया था आपने? हमने कम से कम 50 किलो देसी खाद डाला जी, और DAP सुपरफास्ट तो बहुत कम लगाते हैं। कितना लगभग DAP लगा देते हैं हम, 100-150 ग्राम 200 ग्राम पर पौधे पे। पर पौधे जी जी, ज्यादातर देसी खाद ही, उसमें सुपरफास्ट भी लगा देते हैं और NPK भी लगा देते हैं जी, ज्यादातर तो देसी खाद से। तो इन्होंने मुझे बताया था कि मैं देसी खाद जितनी मात्रा लोग डालते हैं उससे डबल डालता हूँ, और थोड़ा उसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर भी डालता हूँ, तो उससे बहुत अच्छी होती है ये इसमें इनकी पैदावार। अच्छा, ये जो आपने लगभग 1 क्विंटल बताया है, तो पूरे साल में 1 क्विंटल ले लेते हैं आप? पूरे साल में 1 क्विंटल, 1 क्विंटल से 1.25 क्विंटल तक के बीच में, देखिए लगभग 50-60 किलो। अब ये एक ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इस 3.5 साल के पौधे से 1 क्विंटल पूरे साल में लेते हैं, चलिए 1 क्विंटल मानिए, और 40 रुपए भी आपका बिक जाता है, तो आप देखिए कि 1000 किलो गुना 40, 1 क्विंटल में 100 किलो, 4000 रुपए का एक पेड़ आपका पर पौधा हो गया। अब देखिए इनके बाग में अलग अलग तरह के, आ जाओ एक दो और किस्म दिखाओ, ये सब्जी। हाँ,
ये एक दूसरी वैरायटी है सफरी, इसके पास ये देखिए ये सफरी अमरूद है, ये हमने तो मैंने तो पहली बार सुना है। ये शायद L49 है। देखिए इसके L49 अब समझ आने लगा, इसके पत्ते बड़े होते हैं। ये मेरे ख्याल में ललित है। ये कौन सा? ये है जी ये देखिए ये L49 है, कितना फल आया हुआ है इस पर। और ये भी L49 है। देखिए 3.5 साल के पौधे नहीं है, इनको देखिए कितना अच्छे। अच्छा कितनी दूरी पर लगाए हुए हैं आपने इनको? ये दूरी तो पहले तो दिखा दो, सुनिए, थोड़ी ज्यादा दूरी लगाई थी, लेकिन अब तो हम जो बाग नया लगा रहे हैं वो 8-8 पर लगा रहे हैं। हाँ तो इनका 8x8 पर, ये तो कुछ ज्यादा लगा है। ये ज्यादा है नहीं जी, ये 12 हमने कम से कम 15 फुट। अच्छा अब कटाई कब करते हैं आप इसकी? कटाई तो हमने करी थी इसकी कम से कम बरसात की फसल लेते तो इसके तुरंत बाद कर दी थी जी। अच्छा उसके बाद नहीं? उसके बाद कोई कटाई नहीं करते। बरसात की फसल कब खत्म हो जाती है? बरसात की फसल ये जो है अगस्त सितंबर 2 महीने लगते हैं जी। बढ़िया, अगस्त सितंबर। और अगस्त सितंबर में जब कटिंग करेंगे तो फिर अगली फसल कब आएगी? मार्च अप्रैल में फसल फिर लेंगे हम, फरवरी में। फरवरी मार्च में उस टाइम क्या भाव ठीक मिलता है? उस टाइम तो बढ़िया भाव मिल जाए, 80-100 रुपये किलो तक मिल जाए। अच्छा तो मतलब बरसात की फसल के बाद में आप सितंबर में कटिंग कर देते हैं, फिर फ्लावरिंग आती है और वो फरवरी मार्च में लेते हैं। देखिए एक बात हो रही थी जी, ये हमारे अमरूद उस टाइम चलेंगे जब हमारे जिले में कहीं कोई अमरूद नहीं मिलने का। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात बताई है, जब मार्केट में इन्होंने जो अपना सिस्टम है, जैसे हम करते हैं हमारी जो फसल आएगी, अभी हमने जून में जो कटिंग की है वो दिसंबर से हमारे फल शुरू हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में आएंगे। इनकी फसल जो है फरवरी के एंड और मार्च में होती है, और जब अमरूद मार्केट में बहुत कम होता है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई का भी ध्यान रखना। ये जो है इन पर हम नीचे बांस लगाएंगे, रस्सियां बांधेंगे, जब जाएगा ये भी L49 है। ये देखिए इन्होंने नीचे से ही रख रखा है, हालांकि हमारे यहाँ जो कहते हैं कि 1.5 फुट तक कोई शाखा नहीं होनी चाहिए, तो जब ये बड़े होंगे तो ये कह रहे हैं कि इनमें बांस लगाएंगे, डंडी लगाएंगे। तो L49 मुझे बहुत अच्छी वैरायटी लगती है, ये देखते हैं कैसा होता है। क्विंटल अमरूद है ये देखिए अमरूद, ये भी 3.5 साल का पौधा है। 3.5 साल का पौधा है। और मैं तो ये जानूंगी जी, जो बाहर की पब्लिक है ना, जिस तरह आंध्र प्रदेश की कहीं की यूट्यूब पर दिखा हुआ है, हमारे सामने तो कुछ है नहीं है, हमारे जिले में बहुत बढ़िया फसल मिले। और ये वाला भी वही है? हाँ जी, ये देखो कितना अच्छा फ्रूट है। इस पर नीचे डंडियाँ लगाएंगे और इसमें रस्सी बांधेंगे जिससे टाइट हो जाएंगे। अच्छा आपको बर्फ खान का पौधा लगता है, ये देखिए मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ ये बर्फ खान है, और इसकी जो ये है कि इस पे ये कद्दू की किस्म की, आप देखिए कि इस तरह की लाइनें होती है। ये हमारे मेरे पास भी है ये पेड़, तो ये बर्फ खान है, और ये तो बहुत संतुष्ट है। मुझे पहले किसान मिले अपने एरिया में कि जो बर्फ खान का पेड़ मैं देख रहा हूँ और उस पर इतना फल लगा हुआ है। ये भी उतने ही साल का पेड़ है, 3-3.5 साल का, 3.5 साल का पेड़ है। 3.5 साल ये देखिए ये जो बाग है इनका, ये बता रहे हैं कि ये 13 महीने का बाग है। और ये कौन सा अमरूद है? 1 kg। ये 1 kg है, थाई 1 kg जो बोलते हैं, है ना, ये 1 kg अमरूद है। और ये पेड़ देखे 13 महीने बहुत फल आया हुआ है, और इन्होंने नीचे तक भी छोड़ रखा है। सारा 1 kg है? ना अलग अलग है, जिसमें L49 भी है, बर्फान भी है, जी गिलास भी है। जी गिलास कौन सा? जी गिलास ये है, ये तो सेम मिलता जुलता ही हो जी, L49 का ना गोल। हाँ ये जी विलास का वो है पेड़ है जो बता रहे हैं, ये
कुछ ने मेरे को बताया इसके जानकारों ने कि ये सब L49 की ही वैरायटी है जी। ये 100 रुपये का एक पीस बेचा जी हमने बरसात में। पर एक बात है, ये मैं मंगा एक पर मेरे को तो ये तर्जुब हो रहा है 13 महीने का पेड़ खुद जो ये तो 12 महीने का है जी, 13 महीने का तो ये पौधा है, ये मैंने 20 में लगाए थे, फिर एक का पौधा वो ये सुन लिया हमारे वाले से हमारे वाले तो उसका खा गए वो जो हाँ वो पन्नी नहीं कुछ खाद भी ज़्यादा ही डालते हैं। ये देखिए ये जो ये पेड़ है कि मैं अपने पेड़ को बहुत अच्छा समझता था, ये देखिए ये 13 महीने का पेड़ बता रहे हैं इसको, 13 महीने का नहीं होगा, 13 महीने का त्यागी जी, 13 महीने का पेड़ देखे कितना बड़ा वाले से पूछ लो। और मुझे लगा जब आप आए थे ना एक बार, हाँ जब ये बहुत छोटे थे और मेरे ख्याल से 6-7 महीने तो आपकी भी होगी। अच्छा एक और है कि ये इसके पास की ही देखिए ये जो है ना दिखाइए, बस पास में सफाई रखवाते हैं इसके आंवले के पास, इसके पास में सफाई रखवाते हैं, मैं तो पूरा ट्रैक्टर चलवाता हूँ ये मोटा, हम भी चलवा के लेकिन इस टाइम जो थोड़ा हमें टाइम मिलेगा जी, बहुत ज़्यादा वो कर दिया आपको मोटा बहुत हो रहा है इसमें साले में ग्लाइस बस इसमें कल को दवाई मार दवाई ये तो 12 महीने का ही है त्यागी जी, 13 महीने का तो है पौधा एक तो बीच में। ये देखिए ये जो है ना थाई 1 kg है ना जी, थाई 1 kg ये कुल 12 महीने का पेड़ देखिए कितना। चलिए अब दिखाओ सर, अब हम एक सवाल पूछते हैं, ये कितने बीघे का बाग है आपका? ये त्यागी जी हमारा बाग हो गया अब 10 बीघे का, 10 और इससे जो पहला है जिससे प्रोडक्शन अभी तक ले रहे हैं 3 बीघे का, वो 3 बीघे का बाग है, उस 3 बीघे में से आप ईमानदारी से बताओ कितनी आमदनी कर लेते हैं? उसमें से हमारी आमदनी एक साल में कम से कम 2,40,000 2.5 लाख के करीब हमारी हो जाएगी। देखिए ये बता रहे हैं 3 बीघे में से 2 से 2.5 लाख की आमदनी, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था अब आप इसको लेकिन ये खुद बेचते हैं और 70 से 80 रुपए केजी तक अमरूद बेचते हैं, तो अगर आप अमरूद के शौकीन हैं या बागवानी के शौकीन हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि ये अमरूद मैंने लगा लिया, आप भी सैनी साहब की तरह कर सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसी तरह प्लानिंग करनी पड़ेगी, बात करना पड़ेगा, बैठ कर कुछ काम नहीं। तो आज मैं बहुत प्लानिंग के साथ आया था कि आज मैं सैनी साहब से रविंदर जी से जरूर मिलूंगा और आप लोगों को ये जो कुछ वीडियो आती हैं किसान भाइयों, दो तरह की वीडियो आप देखेंगे, एक तो ये देखेंगे इससे कमाइए लाखों रुपए, उसमें कोई भी काम की चीज़ नहीं होगी, और या दूसरी बताएंगे कि ये हकीकत है, लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका बाग देखिए कितना स्वस्थ है, ये रियलिटी है, अच्छी आमदनी है गन्ने और उसकी फसल से, बहुत अच्छी आमदनी है। आप भी अगर इनसे कोई सलाह लेना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं तो मैं इनका नंबर दे रहा हूं आपको, इसके डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा और ये स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं इस समय जो नंबर आ रहा है आपको, तो उससे करिए, उनसे बात करिए और इस तरह से काम करिए। इसी के साथ आज के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।